चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज का मेरा दूसरा टॉपिक है गांधी युग। मैंने पहले पार्ट में आपको खिलाफत आंदोलन के बारे में बताया था। आज दूसरे पार्ट में मैं आपको जो भी कुछ बताने जा रहा हूँ वो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मैं आपको इस तरह समझाने वाला हूँ जो आप एक बार इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपके कोई भी प्रश्न जो गांधी युग से किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे उसमें आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे देता हूँ कि गांधी युग प्रथम में मैंने असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ चर्चा की थी, लेकिन आज मैं आपको दूसरे पार्ट में भी वहीं से स्टार्ट करता हूँ। असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू होता है और 22 में ख़त्म हो जाता है। असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू होता है और 22 में ख़त्म हो जाता है। इस आंदोलन को गांधी जी 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन, जिसमें सितंबर 1920 को कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाए गए थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस अधिवेशन में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसमें प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? विजय राघव चारी। याद रखना है कि कोलकाता का विशेष अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था, उसमें प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन जब नागपुर का अधिवेशन हुआ, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया तो अध्यक्ष विजय राघव चारिया को बनाया गया। उसके बाद इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय जो थे जिसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेना है, यह नारा आपको याद रखना है। उसके बाद इस आंदोलन में एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पॉल ने कांग्रेस को छोड़ दिया था और इस आंदोलन का उन लोगों ने विरोध भी किया था। आपको बता दें कि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहे थे और गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए थे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी और जमुना लाल को राय बहादुर की उपाधि इन्होंने इस आंदोलन में वापस कर दी थी, तो आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि किस आंदोलन में वापस की, तो आपको याद रखना है असहयोग आंदोलन में वापस की। राय बहादुर की उपाधि जमुना लाल ने किस आंदोलन में वापस की, तो आपको याद रखना है असहयोग आंदोलन में वापस की थी। 17 नवंबर 1920 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर काले झंडे दिखाए गए थे भारतीयों के द्वारा, उसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो चौरी चौरा कांड। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिस के जवानों को जिंदा जला दिया गया था। इस आंदोलन से पूरे भारत में कोहराम मच गया था। उसके बाद गांधी जी 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। आपको पता होनी चाहिए असहयोग आंदोलन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैंने सबकी जानकारी आपसे अच्छे को से समझा दी। उनके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। स्थापना मार्च 1923 में होती है और स्थान चुना जाता है इलाहाबाद। इलाहाबाद को स्थान चुना और उसके अध्यक्ष बनाए गए सी आर दास को, महासचिव चुने गए मोतीलाल नेहरू को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर देखा गया है कि बीपीएससी के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना के समय अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो याद रखना है दोस्तों सी आर दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। आज जो हम विधान परिषद का चुनाव में भाग लेते हैं, ये स्वराज पार्टी के समय में भी विधान परिषद के चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद गांधी जी का एक गांधी दास पैक्ट हुआ था जो 1924 में। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में 1924 में भाग लिए थे, जो बेलगांव में लिए थे और उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी।
5 फरवरी 1924 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था जब उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। 6 नवंबर 1924 को गांधी जी और सी आर दास के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे हम लोग गांधी दास पैक्ट के रूप में जानते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों 1930 से 1932 में चलने वाला दो बार ये आंदोलन शुरू हुआ था। एक बार 1930 से 32 तक चला था, उसके बाद फिर 32 से 34 तक ये आंदोलन चला था, आपको याद रखना है। 1930 में गांधी जी ने 11 सूत्री मांग लेकर इरविन के पास गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से 34 तक चला था, सबसे पहले यह आंदोलन 1932 तक चला, 1930 से, उसके बाद 32 से, फिर 34 तक चला। 1930 में गांधी जी ने 11 सूत्री मांग लेकर इरविन के पास गए। उसके बाद दांडी मार्च 12 मार्च को शुरू होता है 1930 से, 12 मार्च 1930 से शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँचते हैं। कितने सहयोगियों के साथ, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। 78 सहयोगियों के साथ 241 मील की दूरी तय करते हैं और यह यात्रा करने में 24 दिन का समय लगता है। इसी यात्रा को सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्वा पेरिस से की थी। आपको यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्वा पेरिस। उसके बाद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो 1930 में शुरू होता है और इस गोलमेज सम्मेलन में 89 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और आपको एक चीज और याद रखना है कि उस समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे जिसका नाम है रैमजो मैकडोनाल्ड थे, उसमें पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस और गांधी जी भाग नहीं लेते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 को शुरू होता है जिसमें गांधी जी भाग लेते हैं और कांग्रेस भी भाग लेती है। जब गांधी जी भाग लेंगे तो कांग्रेस भी भाग लेगी। और गांधी जी को एसएस राजपूताना हवाई जहाज से ले जाया गया था लंदन। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस भाग नहीं लेती है और यह गोलमेज सम्मेलन 1932 में शुरू होता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तीनों में भाग लेने वाले कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। एक बार और आपको रिकॉल कर देते हैं कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती है और गांधी जी भी भाग नहीं लेते, लेकिन पहले में 89 प्रतिनिधि इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। दूसरे में गांधी जी भाग लेती है तो कांग्रेस भाग लेती है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेती है, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो 1931 में शुरू होता है और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री है रैमजो मैकडोनाल्ड थे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस भाग नहीं लेती है। तीनों में भाग लेने वाले एक व्यक्ति है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनके बाद पूना पैक्ट समझौता जो 26 सितंबर 1932 को होता है। उनके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो 1940 में होता है पावनार आश्रम पे जो महाराष्ट्र में है। प्रथम सत्याग्रह के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत करते हैं महात्मा गांधी और दूसरे सत्याग्राही के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को मनोनीत किया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 1942 में। अगस्त क्रांति के रूप में इसे जाना जाता है जो 8 अगस्त को शुरू होता है। अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद होते, मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस का उस समय अध्यक्ष बनाया जाता है जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। इसी आंदोलन में विंस्टन चर्चिल ने कहा था, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस स्टेटमेंट को आपको याद रखता है कि जब दुनिया में हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे में एक कमबख्त बुड्ढे के सामने हम कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने कहा था, तो चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था।
कैसे झुक सकते हैं जो हमारा दुश्मन रहा। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जब प्रश्न किया जाता है तो उनमें एक प्रश्न ये भी होता है कि गांधी जी को और कस्तूरबा जी को और सरोजिनी नायडू को किस जेल में रखा जाता है, तो आगा खां पैलेस के जेल में रखा जाता है और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा जाता है। आपको एक बात और बता देते हैं, सीता रमैया ने एक स्टेटमेंट में लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं प्रेरक के रूप में जाने जाते हैं। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि गांधी जी को अवतार पैगंबर के रूप में किसने देखा था, तो पट्टाभी सीता रमैया ने अपनी पुस्तक में लिखा है। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा भी दिया था। और आपको बता दें कि यदि कांग्रेस इस आंदोलन का प्रस्ताव पास नहीं करती तो मैं देश को बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, गांधी जी ने इस आंदोलन में कहा था। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस भी मनाया गया था। हम आग से खेलने जा रहे हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ऐसी दूधधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर ही पड़ सकती है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक हुई थी, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था और यह प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चर्चिल ने कहा था, जब दुनिया हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे में एक कमबख्त बुड्ढे के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार कर लेते हैं, उनमें से गांधी जी और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस के जेल में रखा जाता है। उसके बाद गांधी जी की मृत्यु अगर पूछा जाए तो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को उसे गोली चलाकर हत्या कर देते हैं, जो ये कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। लेकिन आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें कि जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के लिए।